गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड हिंदी मीडियम बेटा, आज हम आपको ग्रामर चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर ग्रामर सब्जेक्ट का इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और वो नाम उसका चैप्टर है आपका द सेंटेंस। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस वो होता है जिसमें दो से अधिक शब्द मिलकर एक मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं, वो सेंटेंस कहलाता है और हिंदी में उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर लेंगे, फिर इसके पार्ट समझेंगे और इसके काइंड्स भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, मीन्स शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कि कुछ मीनिंगफुल अर्थ निकले वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं, राइजेस, द, east, sun, the, in। देखिए कुछ वर्ड लिखे मैंने, rises, the, east, sun, in, the, in। ये सिस्टमैटिकली नहीं लिखा गया है और ये वर्ड जो है वो एक तरह से जंबल्ड वर्ड्स है। ठीक, इनको हम अगर सिस्टमैटिकली और सेंसफुल मीनिंग के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? पहले हमने कि the sun rises in the east। तो आप बताइए इन दोनों में से सेंटेंस वही कौन सा लग रहा है? मीनिंगफुल किसका लग रहा है? मीनिंगफुल लग रहा है आपका ये वाला, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या लग रहा है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये हमारा करंट सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है आपका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द सेंटेंस लिखा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये थे। That makes complete sense. ये sense सही clear कर रहे हैं, ये sense clear कर रहे हैं। So this sentence got a meaningful sense. ये sentence meaningful sense कहलाते हैं और इसी को हम sentence कहते हैं। ठीक है बेटा? ये हमारी आपकी definition थी। ये definition भी आपकी आप clear copy में chapter 1 sentence करके आप लिखेंगे। जब start करेंगे clear copy में तो आप chapter 1 लिखेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे, सबसे पहले कोटेशन लिख लीजिएगा, फिर चैप्टर वन और द सेंटेंस डेफिनेशन ही मैंने लिखी हुई है। ठीक है बेटा? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, फिर मैं एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं जैसे द मून शाइंस एट नाइट। मून कब से होता है? रात को होता है। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस और मीनिंगफुल सेंस बता रहा है कि जो चंद्रमा है वो रात में चमकता है। फिर हम इसके बेटा काइंड्स लिख लें। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज assertive, second is interrogative, third exclamatory, fourth imperative, and the fifth is optative. Okay, these are the kinds of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence, and optative sentence. ये सारे आपके sentence हैं। देखिए बेटा, आपकी book में सिर्फ तीन kinds show किए गए हैं according to your class, because you are present time in second class, so your syllabus only included three kinds: first, second, and third.
कब भी आपको अभी तीन ही सेंटेंस एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट क्या है हमारा असर्टिव, सेकंड है हमारा इंटरोगेटिव और थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है बेटा, थर्ड है हमारा आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस फिर से एक बार क्लास करवा दी और करवा दी हूँ। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें दो से अधिक शब्द हो वो एक अर्थपूर्ण निकालते हैं, अर्थ वो हमारा क्या कहलाता है सेंटेंस। द मून शाइंस एट नाइट, द मून शाइंस एट नाइट मतलब चंद्रमा जो है वो रात में चमकता है। फिर आपके बात है टाइप्स पे, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस बट योर इन योर बुक देयर आर थ्री। वैसे तो आपके फाइव काइंड्स होते हैं लेकिन आपकी बुक में तीन ही प्रकार के दिए गए हैं, तो हम यहां पे आपके लिए आपके अकॉर्डिंग बुक यहां पे थ्री लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको थ्री समझ लीजिए फिर भी आगे सिलेबस आपके थर्ड में फाइव का होगा, सेकंड क्लास में इसलिए अभी आपके थ्री कार्ड्स लिए हैं। आई थिंक आपको कंप्लीट दिस वर्क योर फेयर कॉपी, ये पूरा वर्क आप अपनी फेयर कॉपी में भी कर लीजिए बेटा फटाफट राइट डाउन करके। फिर हम अपना फर्स्ट काइंड लेते हैं असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट काइंड अपना लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट काइंड इज असर्टिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, इसलिए इस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है। एग्जांपल एक और सा था, डेली रूटीन में यूज करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेरी इजी एंड इन दिस सेंटेंस क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज, तो क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। वन फॉर एग्जांपल, व्हाई आर दे, व्हाई आर दे नॉट लर्निंग, वो याद क्यों नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इज तो कहां जा रहे हैं वो, सेकंड इज व्हाई आर दे नॉट लर्निंग, वो क्यों नहीं याद कर रहे हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइम रिसेप्टिव, सेकंड इज इंटरोगेटिव, देन वी कैन डिस्कस द थर्ड टाइम, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस व्हेन योर टीचर कम्स इन योर क्लास, यू विश हिम और हर, आप उनको विश करते हैं, देन आफ्टर दैट टीचर से सम वर्ड, उस वर्ड टीचर्स कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। आप खड़े होकर विश करते हैं, टीचर साथ आपने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी विश किया, तो टीचर्स आपको क्या बोलते हैं, ओके क्लास से जाओ, यही बोलते हैं ना। कभी बोलते हैं आप बहुत ज्यादा नॉइस कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं, डोंट मेक अ नॉइस। फिर अगर आपको कोई चीज मना की जा रही होती है, डोंट डू दिस, फिर आपसे कोई आपको सलाह दी जा रही होती है, एग्जाम आ रहे होते हैं, तो आपके पेरेंट्स हैं आपके टीचर्स हैं, वो आपको क्या एडवाइस देते हैं, क्लियर, लर्न ऑल द वर्क एंड अगर आपको किसी से कोई चीज मांगनी भी होती है तो आप क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी योर कॉपी, प्लीज गिव मी योर बुक। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। एग्जांपल पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस, ओके, जितना भी वर्क ब्लैकबोर्ड पे मैं करा रही हूं आपको फेयर कॉपी में करना है, चैप्टर वन लिख कर दीजिए। A sentence that expresses command, command means order, request, command, request, advice. A sentence that expresses command, request, advice is called an imperative sentence. Example, most commonly, sit down. In these sentences, one more important thing is that in these sentences, don't indicate a particular person or thing. किसी particular person or thing पे indication नहीं किया जाता है. Generally stand बोला जाता है. Sit down means जो भी खड़ा है वो बैठ जाए. Next is please give me pen. It shows the request. क्या क्या शब्द कर रहे हैं हम, किसी से request कर रहे हैं. फिर next है आपका sit down में आपका था. Sit down में आपका क्या है, order. ये आपका ऑर्डर है, फिर एडवाइस देते हैं, एडवाइस हम कर, एडवाइस हम क्या होता है, आपको एडवाइस दी जाती है कि ये मत कर ये मत करिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ गलत कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपने याद कर लें कि नॉर्मल सी कंडीशंस की होती है, एडवाइस टाइप की होती है, बी काइंड टू, बी काइंड टू एवरी वन, यानी सभी के प्रति दयालु बनिए, तो ये एडवाइस दी जा रही है, ये रिक्वेस्ट थी आपकी, ठीक, ये एडवाइस थी, ये रिक्वेस्ट हो रही है, और अगर आपको तीनों में एग्जांपल लिखवा दी प्रिंट सेंटेंस में, ये तीनों चीजें प्रिंट सेंटेंस में आती है। ये सारा वर्क आपका फेयर कॉपी के वर्क है बेटा, ये सारा काम आपकी फेयर कॉपी में कर लेंगे, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके क्लास सेकंड, थैंक यू क्लास।